नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी और मटर का बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता, जिसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप इसे हरी चटनी या टमाटर के सॉस के साथ कभी भी खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। हमने यहाँ पे आधे इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, दो हरी मिर्च ली है, एक कप हरी मटर। इन सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। हमने यहाँ पे एक जार ले लिया है और इनको हम डालकर हल्का दरदरा पीस लेंगे। ज़रूरत पड़े तो एक छोटे चम्मच आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, पर मटर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने इसे दरदरा पीस लिया है, इसे हम साइड रख देते हैं। हमने यहाँ पे पैन ले लिया है, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। वन टेबल स्पून हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। जीरा हमारा गरम हो गया है। एक कप हमने यहाँ पे सूजी डाल दी है। सूजी को 2 मिनट के लिए हम चला लेंगे। वन टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 2 कप हम यहाँ पर पानी डाल देंगे। जितनी हमारी सूजी है उससे डबल हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे धीमी आंच में हम इसी तरह चलाते रहेंगे और पका लेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। पांच से छह मिनट हमें लग जाएंगे इसे पकाने के लिए और धीमी आंच में हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। और 5 से 6 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ लाल मिर्च और गरम मसाला। अब जो मटर हमने पीस के रखी थी उसे भी डाल देते हैं। और फिर से हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच में पका लेंगे। सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से ताकि मिक्स हो जाएं। इसी तरह हम धीमी आंच में इसे पकाएंगे। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और ठंडा हो जाएगा तो हम इसे हाथों से एक बार मसल लेंगे। आप चाहें तो हाथों पर हल्का सा तेल भी लगा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही मसल लेंगे हम। दो मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं और हाथों पर हल्का सा तेल लगाकर हम इसे गोल कर देंगे और हल्का सा चपटा कर एक मटर का दाना लगाकर गहरे हाथों से इसे दबा देंगे ताकि मटर का दाना अच्छे से हमारा अंदर चला जाए। और इस तरह से हम बनाकर हाथों उंगली की सहायता से मटर के दाने को प्रेस कर देंगे। और हमने यहाँ पे पैन ले लिया है
4 टेबलस्पून हमने यहाँ पे तेल डाला है। आंच को हमने मीडियम ही रखा है। इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून राई, 1 टेबलस्पून जीरा, राई और जीरा भी आप डाल सकते हो। हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून तिल डाला है, सफ़ेद वाला तिल हमने लिया है, और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आंच को हम मीडियम रखेंगे और इस नाश्ता को पका लेंगे। तेल अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, और नीचे से सिक जाने के बाद हम इसे चम्मच से पलट देंगे। ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से सिक जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और सूजी मटर का चटपटा नाश्ता बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक जरूर करें। मिलते हैं और नई नई रेसिपी के साथ।